जी अस्सलाम वालेकुम जी, पिजन एंकर जेदी मलिक डायरेक्टर पिजन कर रही फैसलाबाद आपके साथ लाइव। हस्बे वादा एक और बहुत बड़ी छत कराची के हवाले से, जैसा कि वादा किया गया था दोस्तों के अच्छे साजा कराम से अच्छी छतों से विज़िट होगा, तो कराची का एक बहुत बड़ा नाम आल पाकिस्तान पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराची, जिसके सदर जनाब मोहतरम उस्ताद आरिफ अहमद ख़ान हैं, उनकी छत से इस वक्त मैं आपके साथ लाइव हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि खान साहब से मुलाकात होगी। ये जो अभी आपने व्यू दोस्तों देखे हैं, ये उसी छत से हैं। ये राउंड अबाउट है जी, ये इधर से जी, और ये उनका ऊपर वाला मंजर। मेरे इस्तकबाल के लिए अभी मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है, तो मैं चलता हूँ ऊपर। ठीक है जी, ये जी मैं जा रहा हूँ जी, ये आ गए जी हम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी राशिद भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं राशिद भाई, खुश हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, उस्ताद आरिफ अहमद खान की छत पे इस वक्त में मैं मौजूद हूँ जी। आल पाकिस्तान पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के, पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के वो सदर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ आपके उनके रफाकार में शामिल हैं जी। चेयरमैन टूर्नामेंट जी, ठीक है, पाकिस्तान पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन का, ठीक है जी। आपको खुश आमदेद कहते हैं, आप प्रेसिडेंट आरिफ अहमद खान साहब की छत पर मौजूद हैं। आरिफ अहमद खान साहब लियारी तो जो हमारी पट्टी वालों का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है उसके चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल भी हैं वहाँ, माशाल्लाह। खालिद खान उसके प्रेसिडेंट हैं, और बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है माशाल्लाह जो पट्टी वालों का शौक जबरदस्त है। सरदार कईम खान साहब उसके सरपरस्ते आला हैं, और आल पाकिस्तान पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन जो रेगुलर काबलियों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी जी, उसके प्रेसिडेंट आरिफ अहमद खान साहब और सरदार कईम खान साहब उसके सरपरस्ते आला हैं। और हमारे लिए बड़ी फ़खर की बात है कि साकिब बावा उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी बहुत बड़ी टीम वो है माशाल्लाह, तो माशाल्लाह अजीम। और हमारी जो सबसे मजबूत और फाइनेंस का जो ओहदा है वो साकिब भाई राशिद हसन खान साहब के पास। अच्छा, राशिद भाई के पास है जी? राशिद हसन खान साहब माशाल्लाह हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ईमानदार और बहुत पंक्चुअल आदमी हैं। मुजफ्फर जैदी साहब हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इस क्लब के। आगा नुमान साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह बहुत मजबूत टीम है। ये सारे आप वही नाम ले रहे हो जिनकी मैं पोस्टें बनाता रहता हूँ। अमजद साहब हमारे चेयरमैन जबरदस्त है, क्या बात। जावेद हसन साहब हमारे वाइस चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल है, माशाल्लाह खान साहब को बहुत अच्छी टीम मिली हुई है जी, बहुत अच्छे लोग इसमें शामिल है जी। दोस्तों राशिद भाई के पीछे अगर आप देखे तो एक जबरदस्त व्यू है जी, मैं देख रहा हूँ जी, बहुत खूबसूरत है जी। कराची वैसे भी रोशनियों का शहर है जी, गुलिस्तान-ए-जौहर, ये गुलिस्तान-ए-जौहर का इलाका है जी। पहले हम गुलिस्तान-ए-, वो कौन था वो डिफेंस में, डिफेंस फेस फाइव, ठीक है ठीक है, बदर पे थे ऐवान बदर में, ठीक है। ये दोस्तों कुछ बर्ड, ये ऊपर वाला उड़ाई वाला सेटअप है जी, है ना जी उनका जी, जो वाले होते हैं यहाँ से उड़ाते हैं, ठीक है, ठीक है ठीक है। दोस्तों फिर ऐसे करते हैं राशिद भाई के फिर चलते हैं खान साहब के पास, हैं जी, आपका वेट कर रहे हैं नीचे जी, ठीक है ठीक है। ये दोस्तों अभी वॉच कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइव रहिए मेरे साथ जी। उस अजीम पर्सनैलिटी के साथ हम बस मिलने ही वाले हैं, पहुँच चुके हैं वो, उनसे सवालों जवाब और उनका अंदर का सेटअप जो कि जुड़ों वाला है वो भी देखेंगे, कुछ गुफ्तगू भी करते हैं, सवालों जवाब भी करते हैं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं मेरे, मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे एक हफ्ते बाद, दस दिन बाद जब भी मौका मिले तो मैं आरिफ भाई से सलाम ज़रूर करता हूं, और हाल अहवाल रहता है। आज कराची में मेरी इनसे पहली मुलाकात है जी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआएं। मैं आज, एक तो आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपकी शफकत का बेहद मशहूर हूँ जी। नहीं, आपने मुझे टाइम दिया इसके, मुझे बहुत खुशी है कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए, और हमको इस काबिल समझा आपने कि यहाँ तक आए और तकलीफ़ बर्दाश्त। ये तो आपकी मोहब्बत है ना, ये तो आपकी मोहब्बत है, और मेरे पीछे मेरे दोस्त जिसने मुझे यहाँ मुतारफ़ कराने में काफ़ी अहम करदार अदा किया है। सबसे पहले जो राशिद भाई आपके पीछे बैठे हुए हैं, आपके ख़ास मोमन भी हैं, आपके अहदेदार भी हैं, और आपके साथ
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हार्ड वर्कर है, जी अपने अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत के बहुत साथ बहुत साथ हार्ड ये अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, अपने दोस्तों दोस्तों का ख्याल रखते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मेरे साथ इन्होंने बड़ा कोऑप किया है, जी आज भी मुझे लेके ये आए हैं जी, और काफ़ी तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की है जी। ठीक है जी, अल्लाह इनका भला कर, इनको खुश रखे जी। मैं बात को कंटिन्यू करूँगा जी। एक तो जी ये आपका अंदर जोड़ों वाला सेटअप है जी। बिल्कुल जी, अच्छा, सबसे पहले खान साहब आप एक जॉब भी करते हो बहुत ज़बरदस्त, जी हाँ, ठीक है जी, अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छे मुकाम पे रखा हुआ है। अलहमदुलिल्लाह इसके साथ साथ आप घर के मामलात भी चला रहे हो, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं आप, शौक में भरपूर आप हिस्सा ले रहे हो। ये इतनी चीज़ें मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ जो काम करने वाले कैसे मैनेज करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, असल में मैंने कबूतरबाजी के अलावा दूसरा कोई शौक ही नहीं रखा, पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि मुझे शौक यही है कि अपने घर वालों की रोटी रोजी को मैं पहले देखता हूँ और नौकरी को पहले अपने उसके ऊपर रखता हूँ, प्रायोरिटी के ऊपर रखता हूँ। नौकरी को पूरी करने के बाद में जो टाइम बचता है फिर वो दोस्तों के लिए और कबूतरों के लिए, कबूतरों को मैं सुबह फजर पढ़ गिनने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ जी, और सुबह का टाइम इनको दे देता हूँ, शाम में भी इनको देता हूँ, लेकिन शाम में अक्सर दोस्त भी आ जाते हैं गेट उनके टुगेदर साथ, आप होते हो, लाजमी होते हो, रोज होते गेट टुगेदर हो, भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आल पाकिस्तान पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के आप सदर भी हैं, जी और हाँ, ये मुझे आज खुशगवार हैरत हुई है इस बात पे कि राशिद भाई बता रहे थे कि ये कराची में नहीं है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और बड़ी स्ट्रगल की थी खान साहब ने। खान साहब ये मेरा ख्याल है आपका अजीम कारनामा है, वैसे ऐसे मैंने बहुत कम देखा है, नहीं नहीं उसके अंदर देखें, ये क्या था? मैं अपने आप को क्रेडिट दूं वो अच्छा नहीं है उसके अंदर। ये राशिद ने सारी मेहनत इसने की, जी ठीक है, और राशिद एक और दोस्त है हमारा, राशिद खान, राशिद राशिद हसन खान, अच्छा, उसने बेचारे ने बहुत मेहनत की इसके अंदर, जी, दोनों राशिदों ने जो है ना मिलके बहुत मेहनत करके और वो बनाया था, और इन लोगों ने काफ़ी इसकी इनकी सारी मेहनत इन दोनों की है। सही है। बचपन तो खान साहब ये बचपन से ही, से ही शौक है, ये बचपन से ही बस यही एक शौक है। अच्छा, आप अगर मेरे बाजू पे गौर करें ना, ये देखें, जी, ये आपको टेढ़ा नजर आएगा, बिल्कुल नजर आ रहा है ना, टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा है। ये बचपन में मैं तो गिर गया था सीढ़ियों से ये कबूतर उड़ाते हुए, ये मेरी बाजू टेढ़ी है, ये मेरी टांग भी टूटी हुई है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, टेढ़ी है ये आपकी तो सीधी है इसमें भी। अच्छा, ये तो सेम हुए आप मेरे साथ है। मैं अब आपको बताऊं मेरा किस तरह से, आपने तो ऐसे ही जो ना गिर के तोड़वा नहीं, लिया था नहीं, नहीं, कबूतर नहीं, वाले ऐसे ने। नहीं, ऐसे तो अब नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद की इलियास बेग साहब की बाजी उड़ रही थी। अच्छा, मैं 7वीं क्लास में था गालिबन, 7वीं में था या 8वीं में था, तो मैं जी साइकिल के ऊपर जो है ना जाया करता था उनके घर, जी ठीक है, तो मैं वहां पर उड़ानों के अंदर वहां से मैं आ रहा था, रास्ते में मैं साइकिल से मैं गिरा और मेरा हाथ टूट गया था, तो कबूतरबाजी में ही हाथ टूटा लेकिन वो मेरा, उस वक्त ध्यान किधर था, कबूतर किधर जाहिर कबूतरों ही से आ रहे थे, कबूतरों में ध्यान था बिल्कुल। अच्छा, सिलसिला तो कंटिन्यू रहेगा ये सवाल जवाब का भी, ये आपका सेटअप मुझे चलते हैं कंटिन्यू करते हैं बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें दोस्तों, ये जो हमारे अरब भाई हैं ये, इनका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा है, हमारे जो असरपुरी साहब है ना माशाल्लाह से, उनका सेटअप भी ऐसा ही है, ये देखें, ठीक है ना जी, ये देखें जी, ये एक एक जोड़े के लिए उन्होंने ये कॉबक बनाई हुई है, अंदर जगह बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ये देखिए ना, अंदर चलते हैं बाद में, मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा शौक के हवाले से बाद में करेंगे, एंड पे जाके फिर वहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अभी कुछ बातें रहती हैं। राशिद भाई यार, इतना वक्त गुजार रहे हो अपने भाई के साथ और हमारे भाई के साथ, तकरीबन कुछ 20 साल हो गए मुझे अच्छा, आरिफ भाई की शख्सियत से या, मिला हूँ, यानी कि जब से खैरपुर से आए हो, मुझे कराची की कबूतर परवरी में, शहर की कबूतर परवरी में लाने वाले आरिफ भाई हैं, इससे कल मैं महमूदाबाद के अंदर मसूद नकवी साहब थे हमारे,
तो नाजिर हुसैन मेमोरियल उन्होंने बनाया था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था, वहाँ मैं शॉप करता था। जी मगर आरिफ फरमा खान साहब की एक सहरंगज शख्सियत थी जिन्हें हम देखना चाहते थे। मैंने नाम बहुत सुना था, मेरी ख्वाहिश होती थी कि ये किसी प्रोग्राम में मुझे नजर आए तो मैं उनको देखूँ। आज अल्लाह का करम है, शुक्र है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ, इसी और तरह इनके सरदार अली अहदेदार अकबर भी हैं खान, आप। माशाल्लाह इन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मैं इन्हीं के क्लब का अहदेदार भी हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारे अहदेदारों में बहुत मजबूत चैन है, साकिब भाई, आगा नोमान, मुजफ्फर जैदी, राशिद असर खान, एक बहुत मजबूत हमारा टीम वर्क है माशाल्लाह, और सब हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और इस पूरी टीम के ऊपर खान साहब का एतमाद है जब भी हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, इस एसोसिएशन को। और सबसे बड़ा जो हमारे सर पर हाथ है वो सरदार कयूम खान साहब का है, जिसकी बदौलत आज हम बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह, ग्रेट आदमी है। और कयूम खान साहब सिर्फ हमारे सरपरस्त आला नहीं, वो चाहते पूरे कराची के यूनियन के पूरे कराची के अंदर जो है, मेरा ख्याल 7 या 8 यूनियन के जो नाम मैंने लिखे हैं ना, जो मेरे पास पोस्ट आई थी, 7-8 यूनियन है कम से कम, लेकिन पता नहीं ज़्यादा भी मुझे नहीं पता उनका। जी हाँ, टंडोरा यार सिंध का टंडोरा यार शायद, मतलब मैंने ये मुझे पता है कि इतनी कम उसके सरपरस्त आला है आरिफ अहमद खान साहब है, जीरपुर खास के सरदार कयूम खान साहब है। और अब हमारा फंक्शन होने वाला है 15 मार्च को, सखरगा जो यूनियन है वहाँ चला रहे हैं फ्रेंड्स वाले सिंध सुपर ग्रेन अलायंस, हाँ जी, उसके जो सरपरस्त आला इंशाल्लाह ताला सरदार कयूम खान अनाउंस होंगे, आरिफ अहमद खान उसके वाइस माशाल्लाह नायब सरपरस्त आला होंगे इंशाल्लाह। चलो जी, मैं तो एडवांस ही मुबारकबाद दे देता हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा और भाई, ये शौक अब मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त जी, ये आप अच्छे हाई फ्लाई कबूतर आपके पास पड़े हुए हैं, ये शुरू में गोले कबूतर रखे थे आपने, या वो जो पकड़ के लक्के वगैरह रखते हो सुबह शुरू से, या शुरू से यही शौक था? शुरू से यही शौक था, काबलियों का, हाई फ्लायर्स का था। बीच में ऐसा हुआ कि कुछ हालात और कबूतरबाजी में ऐसा कुछ ट्रेंड आया कि जिसकी वजह से हमने हाई फ्लायर्स कम कर दिए थे, ना होने के बराबर हो गए थे। अच्छा, और पट्टी वाले हमने बढ़ा लिए थे काफ़ी। अच्छा, तो भी पट्टी वालों का काफ़ी किया, फिर हमने 5-6 साल तक, 8 साल तक पट्टी वालों का शौक किया जी। तो फिर उसके बाद में जो है ना, हम दोबारा फिर जाहिर है फिर ये काबलियों का शौक बढ़ गया। उसके अंदर हाशिम साह साहब का मेन किरदार था कि हाशिम साह साहब ने पहले से ही काबलियों ही को छोड़ा नहीं था, और काबलियों का उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें अपना हमारे सरपरस्त आला कयूम भाई, सरदार कयूम जी, डॉक्टर अमजद, हाशिम साह साहब, सरदार अजीम वगैरह, ये सब लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से यार। राशिद भाई, मुझे बड़ा मज़ा आता है। साकिब, उसके अंदर साकिब बाबा, भाई, हाँ जी, खालिद बाबा, हाँ जी, ये लोग उसके अंदर थे। तो ये कप बेसिकली, ये कप भी जो है ना, जो डिफेंस क्लब था, हाशिम साह साहब ने पहले ये कोहिसार के नाम से बनाया था जी, ठीक है। उसके भी हमने जब इन्होंने बानियों में से समझ लें, एक तरह से हम लोग थे, हमने वो बनवाया, हमने उसमें सपोर्ट की। खैर माशाल्लाह, उन्होंने खुद, उनकी अपनी मेहनत थी कि उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल काबलियों ही को परवान चढ़ाया, काबली कबूतरों ही को वो परवान चढ़ाते रहे, जिसके अंदर मैंने आपको जो नाम गिनवाए कि हाशिम साहब साहब, सरदार कयूम साहब, डॉक्टर अमजद साहब, सरदार अजीम साहब, साकिब बाबा, खालिद बाबा, ये वो लोग थे जो कंटिन्यू काबलियों का ही शौक़ कर रहे थे। फिर उसके बाद में इसमें बकीत साहब भी आए, और बकीत साहब ने आके फिर सबको एक जगह सेंट्रलाइज किया जी, ठीक है। उसमें अच्छा, डिफेंस क्लब के अंदर, सॉरी मैं एक नाम भूल गया, आगा नौमान का, आगा नौमान भाई है, आगा नौमान भी माशाल्लाह हमारे साथ वहाँ पर था। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे बकीर साहब ने सेंट्रलाइज किया और सबको फिर ज्वाइन किया था। अबू धाबी कप के अंदर उन्होंने कहा कि जी आप लोग शिरकत करें जी, ठीक है। तो अबू धाबी कप उन्होंने बनाया, जिसके अंदर सभी लोगों ने तकरीबन शिरकत की कराची के। अच्छा जी, हाँ, वेरी गुड। अच्छा साकिब भाई, मैं ना ऐसा, अरे भाई मैं ना ऐसे करता हूँ कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा होता हूँ ना, तो कुछ दोस्त सलाम पेश कर रहे होते हैं, कुछ आपको याद, कुछ मुझे याद कर रहे होते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जी, अमजद भाई, जिसका अभी आपसे पहले उठते हुए जिक्र कर रहे थे, इंग्लैंड वाले। अच्छा अच्छा और जो वो कह रहे थे ना कि ये इनका बहुत बड़ा क्लब है उधर जी। अच्छा, ठीक है ना जी, कबूतर परवीन यूके के नाम से ये उधर का चला रहे हैं जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक ही क्लब रजिस्टर्ड है जी पाकिस्तान का जी। अच्छा, ये भी पाकिस्तान के लिए आज़ाद है जी।
माशाल्लाह, मेरा ख्याल है। वहाँ पर बहुत बड़ी। हाँ जी, और चूंकि जितनी भी ये स्पोर्ट्स चलती है मलका बरतानिया के अंडर चलती है, तो ये अच्छा क्लब बुनी के अंडर चल रहा है जी। अच्छा और सबसे इसमें एक अहम बात है जी मेरे भाई की, जी अच्छा आपकी तरह रफीस है माशाल्लाह, मोहब्बत करने वाले हैं। अब जब भी आएंगे कराची तो इंशाल्लाह आपके पास जरूर आएंगे जी, ठीक है ना मुझे जी। बहुत खुशी और होगी, और मैं मुझे इनको इधर लेके इधर इधर लेके आऊँगा जी। जरूर अच्छा जरूर। भाई, वो एक तो आपको सलाम कर रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने आज से 25 या 30 साल पहले इन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके, जब लोगों ने इनको बड़ा डिसार्ट किया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका ये क्लब रजिस्टर्ड हो जाए, तो एक कहानी थी पूरी। अमजद भाई भी आ जाएंगे ना तो फिर ही उनसे कुछ ज़बानी ज़्यादा सुनेंगे। तो बेशक उन्हें रजिस्टर करवाया था जी ये आपकी तरह, ये मैंने बात इसलिए की है। आपको जी सलाम है जी सबका जी, उनकी तरफ से जी, ठीक है जी। और भी बहुत से दोस्त जो इस वक्त मेरे साथ हैं जी, साकब भाई इस वक्त मेरे साथ हैं जी, राशिद भाई मेरे साथ हैं जी, राशि भाई गुज्जर साहब मेरे साथ हैं जी, और इमरान लकी भाई, सबको सलाम कहते रहते हैं, मेरे साथ होते हैं जी। चले जी, ये बात जो दोस्त जिनका मैं नाम अभी नहीं ले रहा उनको भी सलाम है जी, नाराज मत होइएगा। अच्छा अरे भाई, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ, अब अभी आपने कहा कि लो फ्लाई ज़्यादा करते थे, ये हाई फ्लाई नहीं, असल में पहले लेकिन पहले ऐसा था कि कराची के अंदर काफ़ी अरसे तक शौक मई के अंदर होता रहा, तो मई के अंदर हवा चलती थी जो कि काबलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त होता था मौसम, और हवा के अंदर काबलियों का उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। जी ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने फिर उस शौक को काबलियों को कम किया और पट्टी वाले हमने बढ़ा लिए, क्योंकि पट्टी वाले जो है ना हवा के अंदर बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक और है, सभी लोगों के पास फिर पट्टी वाले बढ़ा लिए थे, सब लोगों ने, हमने भी बढ़ा, यानी कि जौक शौक बहुत ज़्यादा पट्टी वालों की तरफ बढ़ गया जी। हाँ, उस वक्त और उस वक्त मौसम की वजह से, मौसम की वजह से, मौसम आप जैसा कबूतर को देंगे ऐसा ही फिर वो शौक बढ़ना शुरू हो जाए, वही ऑटोमेटिक वही शौक होना शुरू हो जाता है, और फिर उसमें वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि काबलियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है हवा के अंदर और तेज़ हवा में और बादलों के नीचे उड़ना, क्योंकि काबली की फितरत है कि वो बादलों के ऊपर निकलते हैं, जहाँ वो बादलों के ऊपर जाएंगे ज़ाया हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल। हवा के अंदर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है हवा को काट के चलना, और बहुत अच्छा। रेयर होते हैं चूँकि आप प्रैक्टिकल लोग हो, आपको इन बातों का ज़्यादा चित्रा इलम है। अच्छा अपना अरे भाई, ये बकायदा शौक की इन्वॉल्वमेंट, बकायदा जब यानी कि शौक में आपने बिल्कुल इन हो गए और बाजियाँ शुरू कर दी, बकायदा टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तो वो वक्त कब आया? मैं अब आपको बताऊँ, ये बड़ा अच्छा एक किस्सा आपने वो किया है। जी ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को शौक था बेसिकली। अच्छा, वाला साहब भी? मेरे वालिद को शौक था लेकिन उड़ाने का शौक नहीं था मेरे वालिद को। मेरे वालिद वो एक कराची परवाज क्लब था, एक आज से 50 साल पहले तकरीबन। कराची परवाज क्लब, कराची परवाज, ये कबूतरों के हवाले से? जी जी जी। अच्छा, इसमें ऐसा होता था कि ग्रुप्स की बाजियां उड़ती थी आपस में। एक एक बात काट रहा हूँ आपकी। जी जी। मुझे ये जान के बहुत हैरत हुई है कि आज से यानी कि कम अज कम 25 साल पहले भी, उससे पहले भी होगा, 25 साल पहले भी लोग क्लब बनाते थे। जबरदस्त था, जबरदस्त। मैं आपको बताऊं ना, उसमें बहुत माशाल्लाह काबिल लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग थे उसके अंदर। मैं आपको नाम गिनवा दूं, क्योंकि मेरे वालिद के दोस्तों में से थे। जी ठीक। मेरे वालिद थे मारूफ अहमद खान, उनके दोस्त हॉकी के प्लेयर कप्तान भी रहे, कोच पाकिस्तान के कोच मैनेजर भी रहे, अनवार अहमद खान। अच्छा, फिर उसके अलावा नईमुल्ला खान, फिर उसके अलावा जनाब जैदी साहब, मौलाना मद्दन साहब और जकरिया साहब, ये वो लोग थे जो परवाज़ क्लब के मेंबर्स थे ये लोग। तो ऐसा होता था कि ग्रुप्स की आपस में एक उस्ताद के शागिर्द होते थे, उन्होंने भाई जो है ना आपस में बाजियाँ लग जाती थी जी, एक उस्ताद के दूसरे उस्ताद के शागिर्दों से। सही है। तो ऐसा होता था कि ये फायर ब्रिगेड सदर में था एक जी, फिर बाद में वो ईरानी थे हमारे एक रजा साहब, उनके होटल पे भी होती रही मीटिंग। ये मैं बता रहा हूँ आपको तकरीबन 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं छठी अच्छा। सातवीं में था, सेवन्थ क्लास में था जी, जी। मेरे वालिद की हो गई तबीयत ख़राब। मेरे वालिद असल में बाख्तियार थे। अच्छा जी हाँ, उनके अपना जैदी साहब थे। अच्छा।
तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से कहा कि यार ऐसा है कि आज तुम चले जाओ, मेरे खालाजाद भाई के साथ मुझे भेज दिया कि तुम जाओ वहाँ पर और वहाँ जाकर जो है ना उनको बता देना कि आज जो है ना जमील की छत उड़ेगी। एक जमील था मेरे वालिद के ग्रुप में, मेरे वालिद के उसमें था, जी ठीक है, शौक में था, जी यानी जी खेल में था। जी जी वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो जमील साहब उस दिन इत्तेफाक से नहीं आ सके, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। जी जी तो सामने जो एक मौलाना थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ गालिबन, तो उन्होंने कहा जी नहीं आए तो ज़ाहिर है जब एक बंदा नहीं आया तो वॉकओवर मिलेगा, जी तो ठीक है। ऑटोमेटिक जो है ना आपको घटी देना पड़ेगी उस उड़ान की। तो उन्होंने ज़करिया साहब मौजूद थे, ज़करिया साहब से कहा कि भाई नहीं आया तो फिर कल की हमारी हो गई। तो जी उन्होंने कहा जी, मेरे से कहने लगे यार मारूफ मियाँ को आना चाहिए था। मैंने कहा जी उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने मुझे भेजा है कि भाई, कह लगा यार जमील तो आया नहीं तो अब क्या करें। जी मैंने कहा फिर घटी मत दें कल की, आप जो है ना ऐसा करें कि हमारे यहाँ से उड़वा दें। जी ठीक है। मुझे क्योंकि बचपन से शौक था, मैं सुबह में उड़ा दिया करता था स्कूल जाने से पहले, जबरदस्त। और वहाँ से आया तो 12-1-2 बजे तक कबूतर बैठ जाते थे। अच्छा खैर मैं संभालता था। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा फिर हमारी छत दे दें। अच्छा मेरे वालिद को इसका इल्म नहीं था, मेरे वालिद को ये तो था कि मैं कबूतर खोल देता हूँ, हाँ लेकिन जी उनको ये नहीं पता था कि कबूतर इतने उड़ते हैं। अच्छा तो खैर उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जकरिया जी ना हमारी छत दे दें, फिर ऐसे घटी मत दें, उड़ा के देंगे जो भी। तो अच्छा कहने लगे यार उड़ते हैं, मैंने कहा हाँ थोड़े बहुत उड़ते हैं। थोड़े बहुत उठते हैं। तो अच्छा कहने लगे अच्छा ठीक है भाई, कल जो है ना यार मारूफ मियाँ की छत उड़ेगी। अगले दिन सुबह ही मुंसिफ आ गया, मेरे वालिद तो ज़ाहिर है तबीयत ख़राब थी, वो नीचे बेड पे थे। मैं मुंसिफ को ले गया चुपचाप ऊपर, इस टाइम कराई और कबूतर उड़वा दिया। ठीक हो गया, ठीक हो सात गया। कबूतर उड़ते थे उस ज़माने में, अच्छा ठीक है। पांच कबूतर तो सीधे ऊपर गए और जाके बंद हो गए। दो कबूतर मादाएं थी, वो पट्टियाँ थी नहीं, वो दरमियान में रुक गई। जी मेरे वालिद उठे 7:30-8 बजे, मेरे से कहने लगे हाँ बता दिया था। मैंने कहा जी वो बता दिया था मैंने, लेकिन वहाँ जमील नहीं आया तो वो घटी दे रहे थे। मैंने फिर उनसे कहा घटी ऐसे मत दो, उड़ा कर दे देंगे, इधर से देते हैं उड़ा ले, उड़ा के देते हैं। और कहने लगे अच्छा फिर किसकी छत दी, मैंने कहा अपनी छत दी। अच्छा और कहने तू मुझे बदनाम कराएगा और ये वो। खैर मेरे से नाराज़ होने लग गए मेरे से। अच्छा तो कहने लगे कबूतर उड़ते हैं, मैंने कहा जी थोड़े सा उड़ते हैं, मैंने कहा उड़ा दिए हैं। कहने लगे अच्छा अब तो उड़ गए अब हैं। वो सहन में निकल कर उन्होंने देखा ना ऊपर, तो दो कबूतर पट्टियाँ जो है ना नीचे थी। अच्छा जी कह लगे तो बिल्कुल नीचे हैं। तो कहने लगे कि क्या खिलाते हो तुम। मैंने कहा जी, मैंने ब्रेशो बताया, मैंने कहा जी एक बादाम, नहीं सॉरी 2-3 बादाम, एक मुनक्का, एक काली मिर्च। कह लगे कितनी काली मिर्च लगाई, मैंने कहा 12-15 लगाई होंगी। कह लगे 12-15 काली मिर्च लगाई हैं बस। तो फिर ये तो इनके आज अल्लाह खैर करे, और ये तो वापस आ मिर्चे पता नहीं कहाँ कहाँ लग रही होंगी इनको। खैर बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि कबूतर वो मादाएं भी तकरीबन 8:30-9 बजे जाके बंद हो गए। सही। पहला कबूतर हमारा 12:35 पे बैठा, और उस ज़माने में 12:35 पे कबूतर बैठने का मकसद बहुत बड़ी बात होता था, बहुत बड़ी बात। बड़ी बात, बड़ी। तो यह है कि 2:13 पे आखिरी हमारा बैठा और बाजी हमने जीत ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बाकी उड़ाने थी 4 और, फिर वो भी हमने कंटिन्यू उड़ाई और अल्लाह के बल से वो जीत यानी कि उसके बाद आप प्रॉपर कबूतरबाज बन गए। गई। जहाँ फिर बस शौक तो बचपन से, मैंने आपको बताया ना कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे वालिद के साथ मैं चलन गया हुआ था। मेरे वालिद ने एक जगह और दूसरी जगह पे कबूतर रखे हुए थे, सही। तो मेरी दादी ने पूछा कहाँ गए थे, तो ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा ज़्यादा बहुत छोटा था, मैं ज़्यादा बोलना तो आता नहीं था, तो मैंने कहा आ आ आ। अच्छा उस से शौक है समझ में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खान साहब इसको कंटिन्यू बाद में करेंगे, थोड़ा सा शौक करवाएं, ठीक है ना। अंदर चलते हैं ताकि दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब के पास कौन से कबूतर हैं। जी इधर से कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। जी नहीं
رہنے دیں کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں. نہیں خان صاحب یہ ان کے اوپر 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 ڈال دیں تھوڑا سا, ان کے اوپر ڈال دیں. خان صاحب یہ کون سے ہیں جی بھاٹ جی؟ یہ اس میں ایسا ہے کہ مادہ الماری والوں میں سے ہے, قصوریوں میں سے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور نر ہمارا یہ امبالے والوں میں سے ہے. اچھا یہ تو خان صاحب ایسے لگتے ہیں جیسے یہ علی والے ہوں؟ نہیں نہیں علی والے نہیں, یہ امبالے والے کبوتروں میں سے ہیں. اچھا نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے, یہ لک لائک ایسے لگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب یہ تو ٹیسٹر جوڑے ہوں گے آپ کے؟ جی جی. دکھائیں تو کہ اس کو پکڑ کے کچھ شوق کروائیں امبالے والوں کا, لوگوں کو پتہ چلے امبالے والے کیا ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی جی دکھائیں جی امبالے والا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اچھا جی ویری گڈ. نہیں بس ٹھیک ہے. خان صاحب اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں نا, دکھائیں اس کے کندے بھی دکھائیں. یہ دوستو امبالہ والا کبوتر جو ہے, واقعی کبوتر دیکھیے آپ. لیکن آپ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, یہ جتنے بھی فقیر گل وغیرہ بنے وہ امبالے والوں ہی سے بنے. اچھا جی جی ہاں. یہ بیس ہے ان کی فقیر گلوں کی؟ بیس یہی ہے کہ امبالے والوں سے بنے. فقیر گل جو تھے نا جو ہمارے بلوچوں کے پاس بہت اچھے اڑتے تھے, وہ بیسیکلی ان سے امبالے والوں سے ہی بنے تھے. ہم سب بہت اچھا کبوتر ہے آپ کا, ماشاء اللہ زبردست ہے, کیا بات ہے. اور جو آپ دکھا رہے ہیں وہ دوست دیکھ رہے ہیں جی. اچھا اس کی خان صاحب میں دیکھ رہا ہوں اس کے یہ جو آریاں کنی ہیں اس کی جو کلرز والی, اور اس کا یہ لک لائک جو نظر آ رہا ہے یہ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ادھر بٹیرے کہتے ہیں ان کو, لیکن ان کی آنکھیں تھوڑی سی اور ہوتی ہیں. جی جی ان کی آنکھیں ہیں نا, ان کی آنکھوں میں اور اس میں فرق ہے. جی ایسے ہی ہے نا, بالکل. ہاں ٹھیک. اس کے پنجے بھی دکھائیں ابھی, ابھی نہیں ابھی نہیں, اس کی پوری لک لائک دکھائیں دوستوں کو پتا چلے کہ فرق کیا ہے اس میں اور اس میں. ٹھیک ہے خان صاحب یہ اچھے اڑے ہوئے ہیں آپ کے, ٹسٹڈ ہیں سارے یہ جو؟ جی اچھے اڑتے ہیں یہ. ٹھیک یہ جتنے بھی ہیں اس وقت میرے پاس ماشاء اللہ زیادہ تر اس میں ٹسٹڈ ہیں کبوتر. اچھا امبالہ والے کے علاوہ اور کون سی نسل کے, پرانی نسل جو کراچی کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہو؟ ٹیڈی گولڈن کا شوق میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو لوگ جانتے ہیں, بہت سا شوق کروا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مقامی جو ادھر گوجرے والے جو ہے نا, ارے اپنا کراچی والے جو ہیں وہ کبوتر دکھایا جائے ہمیں. جیسے میں ایک بار گوجرے میں گیا تو میں نے ان کو کہا بھائی گوجرے اپنا کبوتروں کا شوق کروائیں اچھے کبوتروں کا. جی جی. تو وہ ٹیڈی دکھا رہا ہے, گولڈن دکھا رہا ہے, لاکھ سلیٹی دکھا رہا ہے. میں نے کہا یار گوجرے والا اپنی ایک کبوتر بھی مجھے نہیں دکھایا. میں آپ کو بتاؤں یہ مین جو کبوتر ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جی جی یہ ہمارے بزرگ انڈیا سے ہی لے کے آئے تھے. جی دکھا دو ادھر سے. جی یہ خان صاحب یہ بھی امبالا؟ نہیں نہیں یہ امبالا والا نہیں ہے. اچھا یہ انڈیا سے انوار احمد خان لے کے آئے تھے. ایک منٹ ابھی ابھی دکھائے فوکس ابھی سر کی آواز. یار میں تیری آنکھیں دکھانا چاہتا ہوں دوستوں کو, وہ مزہ نہیں آ رہا مجھے ایسے, بہت دیر نہ کر یار. اچھا یار بھائی اس کی آنکھیں ایسے بھی لگتی ہیں کبھی کبھی جیسے ٹیڑی ہوں یہ؟ نہیں نہیں یہ ٹیڑی ہوں. نہیں 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 میں ٹیڑی نہیں کہہ رہا اس کو. جی جی میں نے کہا ایسے لگتی ہیں جیسے ان کی آنکھیں ٹیڑیاں جیسی بھی ہوں. آنکھیں یہ ایشو نہیں ہے. جی جی ایشو نہیں ہے. ٹیڑی کو نسل تو نہیں ہے نا, مجموعہ ہے نا بہت سی نسلوں کا. ہو سکتا ہے ان میں وہ کبوتر بھی, یہ کبوتر بھی شامل ہوں. دیکھیں ٹیڈی بھی بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیڈی جہاں تک میری اپنی ناقص رائے ہے, مجھے اتنا زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن جہاں تک میں نے ٹیڈیوں کو ابھی تک پڑھا ہے
ٹیڈی کبوتر بھی انڈیائی کے کبوتروں میں سے ہیں، کیونکہ انڈیا والے زیادہ تر وہ رکھتے ہی تھے ان آنکھوں کے اندر کبوتر، صاف آنکھوں میں، صاف آنکھوں کے اندر جی. اور یہاں بیسیکلی ہمارے پنجاب سائڈ کے اندر جو ہے نا زیادہ تر قصوریوں کا شوق تھا، جو پرانے اڑانے والے تھے وہ قصوریوں ہی میں رکھتے تھے، یا سیالکوٹی تھے جی، دونوں چلتے جی. تو لیکن یہ جو ٹیڈی آئے، ٹیڈی میرا اپنا خیال ہے کہ کافی بعد میں انڈیا ہی سے آئے کبوتر، ہو سکتا ہے یہ میرا نہیں خیال کہ یہاں کی کوئی مقامی نسل ہے ٹیڈی، ٹیڈی وہیں سے لوگ لے کے آئے، کیونکہ صاف آنکھ میں وہیں سے لوگ لے کے آتے تھے. ویسے بڑے بھائی میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ کالے منہ والے جو کبوتر ان کی آنکھیں بہت صاف ہوتی تھیں. یہ جتنے صاف آنکھوں میں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مائگریشن کے بعد میں بیسیکلی یہاں پر، کیونکہ وہاں یہاں پنجاب میں اوور آل جو شوق ہوتا تھا یہی شوق تھا قصوریوں کا، قصوری تھے زیادہ تر جی ٹھیک. اور جو ہے نا سیالکوٹی بھی کبوتر جو آئے وہ بھی انڈیا ہی سے آئے، سیالکوٹی جتنے کبوتر تھے وہ بھی اس وقت تو پارٹیشن سے پہلے سارا ہی تھا، یہ ہندوستانی تھا نا جی. اچھا جی، یہ پھر انہیں میں کبوتروں میں سے ہیں جو آپ کے ادھر سے آئے تھے جی جی. آپ ان کا کیا نام دیتے ہیں ان کو؟ یہ چمچمے ہم کہتے ہیں ان کو، چمچمے. چمچمے یہ کیا نام ہوا چمچمے؟ بس وہ شروع سے بزرگ اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ اندھیرے میں جو ہے نا بس ایسے چمچماتے ہوتے تھے. اچھا اور جو ہے نا ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ اندھیرے کے اندر ایسے پر انہوں نے بند کیے اور گچی جس کو کہتے ہیں نا آپ، کینچی کے اور نیچے آ کے بیٹھ گئے، گھر پہ آ کے بیٹھ گئے. اس طرح سے یہ کبوتر ان میں یہ خوبی تھی. ٹھیک، یہ کبوتر ابھی تک یہ انوار احمد خان کے یہاں سے آئے تھے جی. تو یہ کبوتر وہ کبوتر ہیں جی. کیا یہ چمچمے یا چمچمے جو ابھی آپ کہتے ہو مجھے، چمچمے چمچمے چمچمے، یہ کیا ابھی وہی کام کرتے ہیں؟ بالکل وہی کام کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں بالکل جیسے کر رہے تھے بالکل. اس کو نسل کہتے ہیں ان کو، اس اصل چیز یہی ہے، اصل نسل یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ابا کو چھوڑے نا. بالکل. اچھا خان صاحب اس کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کریں، ادھر آپ کا سیٹ اپ بہت ماشاء اللہ خوبصورت ہے. میں آ رہا ہوں جی، میں آ رہا ہوں جی. یہ جی دوستو اس وقت جو میرے ساتھ دوست ہیں، یہ خان صاحب کی شفقت ہے جی. میں اور دونوں بھائی اب اکٹھے ہوتے ہیں جی، دونوں یہ سامنے جی اور شوق کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جی. میری کوشش ہے کہ ایک نئے طریقے سے، نئے رنگ روپ سے شوق کو پیش کیا جائے. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میں پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہوں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں پڑھا، میرے استاد پڑھے لکھے، ان کے استاد پڑھے لکھے اور ان کے استاد پڑھے لکھے، یعنی کہ پارٹیشن سے بہت پہلے تک یہ جو سلسلہ چلتا ہے. خان صاحب میں بھی کالج تک گیا ہوں جی، بی اے تک جی. میرے جو استاد تھے بہو حسن صاحب اور ثاقب بھائی کے استاد محترم، وہ بھی پارٹیشن سے پہلے بی اے تھے، اور ان کے جو استاد محترم تھے وہ پروفیسر تھے فیروز الدین صدیقی صاحب، انتہائی محترم اور محبت کرنے والے انسان. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد بھی الحمدللہ علی گڑھ سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا. میں نے پاکستان میں، حالانکہ میرے والد کی بہت میں کم عمر تھا، اس وقت انتقال ہو گیا تھا میرے والد کا جی جی جی. میں نے اللہ کے فضل سے میں نے بھی ماسٹرز کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے گروپ کے اندر زیادہ تر کیا 90% لوگ ہمارے پاس ماشاءاللہ سب قابل لوگ ہیں. ہمارے پاس میں اب آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر امجد پی ایچ ڈی فائنانس، ٹھیک ہے، زبردست. ہاشم اساد صاحب پی ایچ ڈی فائنانس، او زبردست. آنر ہے جی، آنر ہے جی دوستو. یہ ایک بہت بڑا نام آپ کے ساتھ ہے جی اس وقت جی. جی محمد عارف صدیقی صاحب لاہور سے جی، اخلاق خان صاحب کے خلیفہ ہیں جی، ان کے دسترا سے اس وقت جی. یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے جی، اتنے بڑے استاد کے، اور آپ کی فیملی سے بھی خان صاحب کا تعلق ہے جی، خان سے خان ہے جی. اور میں آج ذکر کر رہا تھا کہ یہ جینیٹیکلی خان فیملی میں یہ چیزیں آ گئی تھی پہلے، کہ یہ جانوروں کا شوق بہت اچھے طریقے سے پالنا کرنا تھا. یہ کبوتروں کا جو شوق تھا نا بیسیکلی پٹھان فیملیز میں زیادہ تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ قابلی، میرا اپنا خیال ہے، مجھے صحیح علم نہیں ہے اتنا. نہیں خان صاحب اب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، درابر خان صاحب ہیں، اخلاق خان صاحب ہیں، ابھی بہت سے نام ہیں بڑے بڑے ماشاء اللہ.
قیوم خان صاحب ہیں آپ ہو سارے, قاسم خان ہیں اخلاق خان کے پڑوس میں, ان کے کزن بھی ہیں. قاسم خان نے ماشاء اللہ بہت اچھے کبوتر رکھے, پھر اپنا اخلاق خان صاحب کے بھائی نے بھی ایک زمانے میں کبوتر رکھے, فرید خان صاحب نے. ہاں فرید خان کا بہت بڑا نام ہے جی. ایک یہ لالا فرید کی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ اچھا اچھا لالا فرید کے. ہاں لالا فرید الگ تھے. ہاں جی یہ الگ تھے. تو ماشاء اللہ یوسف خان تھا بہت بڑا نام تھا جی. ہاں جی بہت بڑے نام تھے. ہاں جی راشد اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ جینیٹیکلی کچھ ہوتا ہے جس میں, جیسے ابھی سائی وال میں ابھی چیمپئن ہے وہ گل مہراب خان جی, ٹھیک ہے نا جی. عامر خان صاحب ہیں, ان کے پاس بے شمار بہت اچھے برڈ پرانی نسلوں کے پڑے ہوئے ہیں سارے. چلے جی ابھی اور آگے بڑھتے ہیں جی, کیا دکھائیں گے دوستوں کو جی؟ اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو اپنا اپنا اور کون سا اچھا ہے جو 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 آپ کو پسند ہے جی. الماری والے یہ امبالے والوں کا سب سے بڑا ہے کبوتر, اسی کے بچے اچھے ہیں. یعنی کہ جتنا بھی ابھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے مالکدام جو امبالا والا کا ہے وہ اس کے بعد ہے, وہ اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے جی لے جی. وہ کبوتر دوستو آپ کو خان صاحب اب دکھا رہے ہیں جی, جو امبالا والے کبوتروں کا نام تو میں نے سنا ہوا تھا پہلے, لیکن میں دیکھ پہلی بار آ رہا ہوں. اور اس کی خاص وجہ صرف خان صاحب نے بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ کبوتر ہیں جن سے یہ کبوتر چلے ہیں, ان کے پاس امبالے والوں سے فقیر گل بنے. پھر وہ تو بات کی بات ہے نا, یہ امبالا والا کبوتر ہے. یہ جتنے بھی خان صاحب کے ابھی اس نسل کے کبوتر پڑے ہوئے ہیں ان کا بڑا ہے جی. یہ شوکر بھائی جی اس کا مزہ آئے گا اس کا. دوست دیکھ رہے ہیں جی آپ کو ماشاء اللہ. اور جی ٹھیک ہے. ہاں صاحب اس کے جو پٹھے میں نے ابھی دیکھا ادھر جی جی, اس سے اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. وہ میل کی وجہ سے تو تھوڑا چیز ہے وہ اصل میں نیا پٹھا ہے. اچھا بعد میں اس ایج پہ آئے گا تو آنکھیں بالکل, میں جانتا ہوں اس بات کو. اس کے دکھائیں جی, اس کے کندے دکھائیں ہمیں جی. ادھر سے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ادھر سے کر دیں بس ٹھیک ہے. ادھر رکھے ہاں ادھر رکھے, میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں. لے جی دوستو وہی اسٹائل وہی ہے جی جو آپ نے اس کا بیٹا بھی دیکھا ہے نا. یہ دیکھیں خان صاحب یہ اڑنے والے بہت اڑنے والے بہت اڑنے والے اور مضبوط بھی بہت ہیں. اور ان کا ٹائم پورا نہیں ہوتا جی, ان کا ٹائم پورا نہیں ہوتا. عام دنوں میں یہ رات رہ جائیں گے. ان کے پنجے بھی دکھائیں, اس میں کوئی فرق آیا ان یا اس کے؟ ماشاءاللہ. اچھا خان صاحب اس میں کوئی ایسی خوبی بتائیں یہ امبالا والے کی کہ جو نسل در نسل چل بھی رہے ہیں اور وہ انہوں نے ابھی تک چھوڑی نہیں ہے. یہ اصل میں ان کے اندر خوبی ہے کہ یہ کراچی کے موسم کے اندر جی ماشاء اللہ مضبوط ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ سمجھدار ہیں. اچھا سمجھداری ان میں یہ ہے کہ موسم کو دیکھ کے ہی اپنے آپ کو اڑان کے حساب سے وہ کرتے ہیں. جیسے بادل اگر چل جاتے ہیں اس میں سے جو پرانے کبوتر ہوتے ہیں نئے پرانے جو کبوتر ہوتے ہیں نا وہ بادلوں کو دیکھ کے نیچے ہو جاتے ہیں دب جاتے ہیں. زبردست. ان میں یہ خوبی ہوتی ہے. یہ امبالا والے جن کے پاس بھی ہوں گے تو ان میں یہ خوبی تو آئے گی نا. اگر اگر ان سے ہوں گے میل بھی آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا ان میں. زبردست. خان صاحب ٹورنامنٹس بھی کھیل رہے ہیں آپ, بے شمار ٹورنامنٹس میں حصہ بھی لیا ہوگا ٹھیک ہے جی. اب بھی شوق زبردست ہو رہا ہے. لو فلائی تو تقریباً وائنڈ اپ ہے تقریباً, ہائی فلائی میں آپ اس وقت بہترین حصہ لے رہے ہو آپ ٹھیک ہے جی. ایک تو میں یہ سلسلہ جو میں نے پہلے توڑا تھا سوال جواب والا وہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے نا, آپ اس کو رکھ لیں. اچھا نہیں وہ بعد میں کریں گے دوست, دو تھوڑا سا انتظار کریں. شوق آپ نے کر لیا ہے سارا ٹھیک ہے, سب کچھ مان لیا. کوئی جیسے ہم فیصلہ آباد سے ہیں, ہماری پہلے دو یونین تھیں راشد بھائی, ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں دوست, لڑتے ہیں پھر صلح ہو جاتی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان میں وہ ٹورنامنٹس ایک کا چیمپئن وہ ہو جاتا ہے ایک کا چیمپئن وہ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی اس سال سے پہلے ایک کا رانا مونا تھا فرض کیا, ایک کا دوسرے والا تھا. تو وہ کہتے تھے یار چیمپئن میں ہوں, دوسرا کہتا تھا چیمپئن میں ہوں.
اب بھی یہاں بہت سے یونینز ہیں جن پہ مشترکہ کمپنی آپ کی ہو رہے, اور ایک ایک اپنے اپنے, کسی کے پاس 10 کلب ہیں, کسی کے پاس 5 ہیں, کسی کے پاس کتنے کتنے, اپنے اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں سارا. سب کے اپنے اپنے چیئرمین ہیں, سب کے اپنے اپنے پاس صدر ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے بھی کوئی ایسا ٹورنامنٹ کیا ہو اور ون بھی کیا ہو, یا اس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہو, آپ کی اچھی پوزیشن آئی ہو مشترکہ؟ ہاں, کراچی کے حوالے سے کوئی ایسا طریق ساز کوئی واقعہ کو موقع ملا ہو آپ؟ میں آپ کو بتاؤں, ابو دھابی کپ کے اندر پورا کراچی ایک پلیٹ فارم سے اڑا رہا تھا. یہ اچھا, ٹھیک ہے. ابو دھابی ابو دھابی کپ جس کے بخیر صاحب والا جو بخیر صاحب نے مینیج کیا تھا, اس کے اندر میں 2 سال تک چیمپئن رہا. جی, فرسٹ پوزیشن میری آئی 2 سال تک کنٹینیو. اچھا جی, ابو دھابی کپ میں, ابو دھابی کپ کے اندر کوئی یہ پرانا ہے, 5-7 سال؟ جی جی, 6-7 سال, 5-7 سال پرانی ہوئے نا کراچی کے اندر, اور یہ چھتوں نے بہت بہترین آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینا شروع کی. تو فروری کو جب عروج آیا اس وقت, تو اس وقت کراچی کا چھوٹے سے لے کے بڑے کھلاڑی تک ابو دھابی کپ میں سما گیا سارا. 50-60 تقریباً اتنا زبردست وہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا بخیر صاحب نے. جی جی, کراچی ویل فیئر تھا, ہم تھے, ہم سب لوگوں نے مل کے اس کو مینج کیا. ماشاءاللہ, اور سارے جو آج ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں وہ سب اس میں شامل تھے. تو اس وقت پہلے سیزن میں عارف بھائی نے اس کو ون کیا. نہیں, پہلے میں نے, پہلے بخیر صاحب نے, جس میں ہم شامل تھے وہ تو ایک ہی تھا. ہاں نہیں, پہلے نہیں, ہم لوگ جب شامل ہوئے نا, پہلے ہم تھرڈ آئے تھے, پہلے میں تھرڈ آیا تھا جب مشترکہ پورا کراچی کا اڑا. ہاں, پہلے جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا میں تھرڈ آیا تھا. اچھا, تھرڈ آنے کے بعد میں پھر اگلے سال میں نے فرسٹ کیا. یعنی کہ جب پہلی بار وہ ابو ظہبی آرگنائز ہوا ہے نا؟ نہیں, ابو ظہبی کب میرے سے پہلے, مجھے تو بعد میں انوائٹ کیا گیا. اچھا اچھا, جب آپ شامل ہوئے ہو. جب میں شامل ہوا تو فرسٹ ٹائم میں نے تھرڈ پوزیشن لی تھی. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اگلے سال میں نے فرسٹ پوزیشن لی, پھر اس کے بعد پھر میں نے فرسٹ پوزیشن. ماشاء اللہ, اس کے اندر کراچی کی ساری اچھی چھتیں ہیں ماشاء اللہ. یقیناً سارے جب مشترکہ چھتے ہیں تو پھر اسی سلسلے میں ہوگا نا سارا. میں سبھی لوگ تھے ہمارے ساتھ شامل تھے, کراچی کے جو ٹاپ کی چھتے ہیں. اس وقت قیوم بھائی شوق نہیں کر رہے تھے, باقی یہ ہے کہ حاجی محمد یوسف صاحب, میں, بخیر صاحب, اور بھی جتنے اڑانے بڑے نام تھے سارے محترم, بڑے نام, وہ سب اڑانے والے تھے. خان صاحب, آپ ماشاءاللہ خود سے گریسفل پرسنالٹی والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کبوتر پروری کے حوالے سے کن سے متاثر ہیں؟ آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی کبوتر پروری کے حوالے سے کون سی؟ دیکھیں, جیسا آپ نے بتایا جڈی بھائی کہ آپ متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ ہوں, صاف ستھرے لوگ ہوں, سلجھے ہوئے لوگ ہوں. مجھے اچھا لگا ماشاء اللہ. اوور آل ہمارے ساتھ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, سارے لوگ ماشاء اللہ اچھے سمجھدار ہیں, اپنے معاملات کو سمجھتے ہیں, قابل لوگ ہیں, قابل سلجھے ہوئے لوگ ہیں. ڈاکٹر ہاشم صاحب ماشاء اللہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ہسٹوریکل ہے. ماشاءاللہ, یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ وہ ہسٹوریکل ہے. اتنا بڑا نام آپ, سید احمد شہید کے پڑ پوتے ہیں وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو یہ بریکنگ نیوز ہے جی, خان صاحب پھر سے ریپیٹ کریں جی, کہ کبوتر پروروں کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جی. نہیں, سابق وزیر اعظم نہیں, سید احمد شہید وہ ایک ولی اللہ تھے. اچھا, سید احمد شہید, اچھا اچھا, کیونکہ انڈیا میں بہت بڑے نواب تھے, انہوں نے اپنی نوابی چھوڑی جب یہاں پنجاب کے اندر ظلم ہو رہا تھا, راجہ رنجیت سنگھ ظلم کر رہا تھا, تو وہ اپنی نوابی وہاں سے چھوڑی, اپنے چھوٹے بھائی کو دی, اور انہوں نے کہا کہ میں جہاد کے اوپر جا رہا ہوں. بالا کوٹ والے ہاں, ان کا دربار تو میں نے دیکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے 2000 جانساروں کے ساتھ وہاں سے, ہاں, وہ فائٹ کی, اور رنجیت سنگھ سے 5.5 سال تک جہاد کرتے رہے. فائٹ کی, کیسے جنگلوں میں رہے ہوں گے, کتنے بڑے نواب, اور کیسے جنگلوں میں رہے ہوں گے, کیسے دھکے کھائے ہوں گے, کیسے بھوکے, کتنی پرانی بات ہے, مصیبتیں کاٹی ہوں گی انہوں نے, سمجھا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اتنا ہسٹوریکل بندہ, اس کے پڑپوتے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شوق کر رہے ہیں, اور وہ پڑپوتے بھی ہیں, اور دوسری اس سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے پی ایچ ڈی فائنانس انگلینڈ سے کیا. زبردست, اتنا قابل آدمی, اتنا جینیس بندہ, اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شوق, زبردست. یہ ڈاکٹر امجد ماشاءاللہ
हार्वर्ड से उन्होंने PhD फाइनेंस किया, वो माशाल्लाह नाफा के इस वक्त चेयरमैन भी हैं, जबरदस्त हमारे साथ माशाल्लाह शौक कर रहे हैं। आला आला मजा आया बात समझे, मजा आया। सरदार कयूम खान माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन ली कराची यूनिवर्सिटी से, समझे मास्टर्स किया माशाल्लाह, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इस वक्त माशाल्लाह, कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैनों में से एक हैं माशाल्लाह, वो हमारे साथ हैं। अच्छा, और एक सियासी फैमिली भी है माशाल्लाह, उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर उनके बड़े भाई जनरल सेक्रेटरी हैं समझे, हाँ जी, और सरदार रहीम साहब माशाल्लाह उनका यानी माशाल्लाह ओवरऑल ठीक है सरदार, तो ये माशाल्लाह ये वो लोग हैं। लेकिन हमारे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब माशाल्लाह उन्होंने भी शुरू से कबूतरबाजी के अंदर, कबूतर परवरी के अंदर किसी से पीछे नहीं रहे माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया, अच्छा शौक कर रहे हैं माशाल्लाह से, कराची में उनका नाम है। मैं अगर किसी से उड़ाना पसंद करता हूं तो मैं मेरी हमेशा यूसुफ भाई से ले जी, मैं तो अभी ये सवाल करने वाला था जो आपने अभी जवाब पहले देने की कोशिश कर रहे, मैं काटने वाला था इस बात पे कि हलीफों की तो आप बहुत बातें कर रहे हो कि ये अच्छा है ये हमारे साथ, हरीफ भी कोई पसंद है जिनके साथ आपको शौक करके मजा आता है? मैंने आपको कहा ये मेरा सवाल था अगले वाला, उनके साथ मेरा शौक होता है और माशाल्लाह हर साल में माशाल्लाह उनके साथ शौक करता हूँ, बहुत मजा आता है। अच्छा, फिर डॉक्टर अमजद साहब माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी छत है, मेरी बड़ी दोस्ती है, बड़े लेकिन मेरे बहुत मेहरबान है, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आपकी खाने खाने की भाई समझे, मेरी उनसे भी उड़ती है समझे, और डॉक्टर अमजद से भी मैं उड़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों से मेरा बहुत अच्छे माहौल में शौक रहा है, बहुत अच्छे माहौल में, और यूसुफ भाई से तो बहुत अरसे से मेरा शौक रहा है, लेकिन यह कि कभी हमारी कोई बदमजगी नहीं हुई, अच्छी बात, कोई ऐसा यानी कोई खराब कोई ऐसा वो नहीं रहा। दो सवाल अभी रहते हैं और जी, वो बाद में करूंगा, पहले वो जोड़ा देखूंगा, दोस्त इंतजार कर रहे हैं आपके जोड़े का जी। दो जो जो दोस्त वाच कर रहे हैं जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जी, अल्लाह उनको खुश रखे और हमेशा मेरे साथ रहने वालों को सलाम है जी। जी खान साहब, ये कबूतर मैं मियां साहब से लेके आया था, मियां जी साहब से जी, जी मियां रऊफ साहब से, इसका असल में मैं मियां रऊफ साहब से लेके आया था, इनका बाप इन कबूतरों का जी, जी जी ठीक है, ये तो गोल्डन है जी, ये अलमारी वाले कहलाते हैं। अच्छा अलमारी वाले, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और जो इनकी माँ थी वो मियां नजीर साहब ने, मेरे एक दोस्त हैं जावेद, इधर कराची के, जी जी कराची, बेसिकली पंजाब से ताल्लुक है लेकिन वो सेटल कराची में ही है जी जी, वो मादा पट्टी लेके आए थे जावेद, तो जावेद ने फिर मुझे दी, उसने कहा कि यार ये जोड़ों में डाल लो आप, वो माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा जोड़ा बन गया था सूरियों में जी, ठीक है। तो ये उनमें से है, ये ओरिजिनल मैंने जोड़ा एक बनाया है, इसके आगे बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे उड़ते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, जिनको पता है जी मैं क्या दिखा रहा हूँ वो जानते हैं जी, शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों वाच कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कर लीजिए, खान साहब अच्छा शौक करवा रहे हैं आपको, शुक्रिया। अच्छा, ये अलमारी वाले कबूतर देख रहे हैं जी दोस्तों, इस प्रकार ये मादा भी उन्हीं में से, उन्हीं में से आ जी, लुक लाइक ही ऐसी है। अच्छा खान साहब, इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ दोनों में ही, एक तो इनका जो ये काली पुतली है बहुत बड़ी है, नहीं रात में रात की वजह से, जी जी ठीक है ठीक है, तो लेकिन इनके परों में कस जितना है, जिसको बोलते हैं कि खिंचाई स्प्रिंग वगैरह इनका इतना जबरदस्त है, पर खोलने में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये लोग ये इतने आसानी से पर देते नहीं है, अब मैंने बहुत ताकत से पकड़ा हुआ है और ये इतने आसानी से, जबरदस्त जबरदस्त, शुक्रिया शुक्रिया खान साहब। अच्छा खान साहब आ जाएं फिर जी,
अभी दो बातें आपसे और करनी है जी, फिर आपसे इजाजत लेंगे जी। हाँ जी ठीक है जी। ये दोस्तों ये सारा सेटअप है जी अंदर का, ठीक है जी, जिस जगह हम खड़े हुए हैं ना अभी इस वक्त जी, ये मैं खुद भी इसमें शामिल होता हूँ जी। ये जी मेरे राउंड अबाउट ये है जी, मेरे पीछे ये है जी इस वक्त जी, ये वाला हिस्सा, और ये मैं घूमता हूँ यहाँ से जी, ये वाला ठीक है जी। ये मेरे साथ राशिद भाई खान साहब और मैं, ये कबूतरों के साथ इस वक्त जी। ठीक है जी, लें जी। जी खान साहब जी, फिर से करते हैं जी शुरू, दो सवाल अभी रहते हैं जी, बहुत अहम है जी। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यूनियन ऑर्गेनाइज हो रही हैं, कौन सी शख्सियत आपको मुतासर करती है जो इन चीज़ों को सबको मैनेज करने में अहम किरदार अदा करती है? आप समझते हो कि वो उसमें एबिलिटी है कि वो सबको लेकर चल भी सकता है, वो मामला फहम भी है और उसकी बात मानी जाने वाली भी होती है और दोस्तों का ख्याल भी रखता है, ऐसी एक्सेप्टेबल कोई पर्सनैलिटी जो आप आपके दोस्तों में जो आपको पसंद हो, कोई लाजमी नहीं इख्तलाफ हो सकता है उस सिलसिले में। हाँ मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हमारे मौजूदा इस वक्त हमारे सरपरस्त आला हैं सरदार कयूम खान, माशाल्लाह इतना सहरंगेज़ शख्सियत हैं, हाँ, और माशाल्लाह उनकी शख्सियत भी माशाल्लाह ऐसी है जी, कि हर शख्स उनकी शख्सियत से भी बड़ा मुतासर होता है। खान कयूम खान साहब की बात कर रहे हैं? जी जी कयूम साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक। और माशाल्लाह वो दोस्तों के दोस्त हैं जी, ठीक है, और हर तरह से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ में खड़े होते हैं जी, ठीक है। फिर अपना हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़े अच्छा उन्होंने टूर्नामेंट कराची के अंदर माशाल्लाह से जबरदस्त मैनेज कर। फिर हाशिम इसाक साहब जिनका मैंने आपको बताया, माशाल्लाह वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उन्होंने भी कराची के अंदर बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छे खुश असलूबी के साथ करने वाले। मैं बड़े भाई मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसी देखें कोई एक तो होता है ना, कोई एक जी। मैं ये डिस्प्यूटेड बात कभी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ के दोस्त आपके फ़र्ज़ किया हर साहब अलहदा से कर रहे हैं, आप अलहदा से कर रहे हो, हाशमी साहब अलहदा, अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी कोई ऐसी वजूद में आ जाए, अल्लाह करे मैं उसका नाम आपसे भी नहीं लूँगा, मैं किसी मैं नहीं ये कहता कि आप सब यार इकट्ठे होके अच्छा शौक करवा लो तो फिर मज़ा आ जाए। हमारा माशाल्लाह सब एक साथ ये सारे होते हैं, ये सब लोग होते हैं एक साथ, जबरदस्त जबरदस्त मेरे लिए नहीं बात है, मुझे नहीं। लास्ट टाइम भी सब लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म से ग्रैंड अलायंस का जो टूर्नामेंट चलता है होता है, उसके अंदर सब एक साथ एक दूसरे के साथ उड़ा रहे होते हैं, बाजियां हमारी आपस में उड़ रही होती हैं, ये सब अच्छा ठीक है ठीक है। और आपकी जो यूनियन है आपकी जिसमें आप सब पार्टिसिपेट करते हो सारे, उसके कुछ अहदेदार कुछ ना कोई तो ऐसे दोस्त हैं जिनको आप अप्रिशिएट करें? मैं चाहूँगा कि वो आपके लिए वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, देखें माशाल्लाह हमारे जो एसोसिएशन है जी, ठीक है, ऑल पाकिस्तान जी वेलफेयर जो फ्लाइंग एसोसिएशन जो है, उसके अंदर मैं प्रेसिडेंट हूँ जी, हमारे सरपरस्त आला सरदार कयूम सरदार कयूम भाई हैं जी। अच्छा, और वैसे तो हमारे माशाल्लाह बहुत से अहदेदार हैं जी, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे मेहनती हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ये है अपना बाबर है, जावेद है, और अपना आगा नुमान है, ये सब लोग हमारे साथ ही माशाल्लाह। अच्छा। लेकिन जो साकिब बाबा है, और मैं एक बात बता दूं आपको, मेन किरदार क्या है जो सबको समझ लें, कभी लाल पीला भी करता है, कभी ठंडा भी करता है, चलाता भी है, मेहनत करने वाला है, यानी सुबह उठ के उसने बस ना 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 ना। बस स्टार्ट होना उसे कबूतरबाजी के, हाँ भाई हो गया नहीं हुआ हो गया, जेडी भाई को फोन कर लिया, तुराब हैदर को फोन कर लिया, तो कामरान को फोन कर लिया, तो फलाने को फोन, वो शख्सियत ही है बहुत से लोग। अच्छा वैसे अर भाई मैं पहली बार चुके इधर कराची में आया हूँ, तो मेरा इनसे वास्ता तकरीबन 3-4 साल हो गए,
तकरीबन तीन चार 3-4 साल हो गए। इतने कम्पिटेंट हैं ना कि यदि भाई ऐसे कर लो, ये ऐसे रख लो, ये ऐसे ऐसे कर लो, एक अजाज भाई और एक ये बहुत मुझे समझाते रहते हैं। इनकी वजह से मुझे अब कुछ समझ आती है, लेकिन फिर भी दिमाग ऑन हो जाता है कि कभी ये इस यूनिट का नाम बोल जाता है, कभी उस यूनिट का, लेकिन बहुत वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। मेरा बोर्ड मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हाँ जी हाँ जी हाँ जी और ये ऐसे ऐसे रिकॉर्ड इसको याद हैं जो कि मेरे मेरे हाँ हाँ जी हाँ जी मुझे याद नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है ना, जिस काम में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उसमें इन्वॉल्वमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे रिकॉर्ड हाँ जी इसको याद होते हैं, इसको याद होंगे मुझे याद नहीं, इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मेमोरी वाले जिस दौर में उड़ रहे थे ना कराची के अंदर और बहुत राज किया पट्टे वालों ने पूरे शहर में लियारी से लेकर लांडी तक। जी दादा भाई जी तो अपना उस टाइम में राशिद भाई आज लोग सेंचुरियां बना रहे हैं ना 130 135 117। टाइम में आरिफ भाई ने 111 घंटे की एवरेज से 5 रोजा कप जीता था, कराची का विन किया था इन्होंने माशाल्लाह 111 घंटे जो कराची की कबूतर परवरी की अकल हैरान रह गई थी। रात को 1-2 बजे कबूतर उठाने का जो ट्रेन था ना या तो इनके घर से चला या मेरा जो दोस्त था मुजफ्फर जैदी वो उड़ाया करता था, मुजफ्फर भाई मुजफ्फर जैदी छत मेरे नाम से उड़ती थी वो। अभी मैं इफ्ताह का क्या हूँ दोबारा से उनकी छत आई हमारी गुलशन में पहले छत थी। अच्छा वो गुलशन वाली थी, गुलशन में छत थी जी ठीक है। उस छत से सेंचुरियां इतनी सेंचुरियां बनी है आरिफ भाई की इस छत से और हमारी छत से या हमारे उस्ताद की छत से जिसका कोई गिनती शुमार नहीं होती। ये तो आप अपनी बातें बता रहे हैं, इसके इसमें किसी का तो मामला नहीं है। वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं मगर हमने जो रिकॉर्ड कराची के अंदर कबूतर परवरी में बनाए हमारे ग्रुप ने उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारा हमेशा। और जहाँ खड़े ये हमारे क्लब का हेडक्वार्टर भी है आरिफ खान साहब की छत, इधर हमने फंक्शन बड़े बड़े फंक्शन कराए हैं बड़ी बड़ी यहाँ इसी छत पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स कराई हैं टूर्नामेंट्स बहुत सारे हर खिलाड़ी हर शौकीन हर सरप्रस्त इधर आता है और हम इज्जत अफजाई करते हैं उसकी और दिल से करते हैं। कोई इसके अंदर हमारी रियाकारी नहीं होती कि कोई आ रहा है तो हम हर एक को वेलकम पाया और अच्छी बात है होना चाहिए। मैं दोबारा एक बात आपको बता दूँ कि आप भी इसके गवाह हैं कि जब मैं अभी आया था तो कल के एक छोटे से वाकये में मेरे साथ से जो स्पीच हुई थी मेरी जी जी अभी भी आपके सामने आरिफ भाई ने मुझे इस बात पर दोबारा डांटा कि यार वो ऐसे अल्फाज नहीं कर रहे थे जो कि आरिफ साहब हमारे लिए एक रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारा पूरा क्लब उनकी इज्जत करता है। मैं दोबारा से उसके लिए सॉरी करता हूँ। हाँ ये तो अभी से भी और कराची के शायकीन से अगर जिसकी दिल आजारी हुई वैसे तो मैं कोई ऐसा इरादा नहीं। राशिद भाई एक बात मैं यहाँ काटूंगा थोड़ी सी कि हाजी साहब आपके लिए कभी ऐसा नहीं करते, आपके लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं जब चला हूँ ना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो, ठीक है ना जी। और जैसे आपने किया है ना मुझे बहुत पसंद आया। बड़े लोग हमेशा अच्छी बातें करते हैं जी, आपको ऐसा ही करना चाहिए। वो सीनियर हैं बड़े हैं, कोई मिस्टेक ना गई है कोई गलती हो गई है ठीक है ना जी, कोई छो हो जाता है बातों में बात कात कर लेता है आदमी हाँ, लेकिन ये सेवन हुआ है लेकिन गुड अपने सरप्रस्त वाला सरदार के खान साहब से आरिफ भाई से साकिब बाबा से आफताब भाई से जो मेरे ग्रुप के लोग हैं कि मैं इंशाल्लाह आज के बाद इस तरह की कोई अच्छा खान साहब हालांकि ये बात पहले भी हो चुकी है यानी कि ये ग्रेटनेस है जी, ये दूसरी बार फिर से रिपीट हो रही है और हर साहब को ये ऑनर है जी कि इनकी रिस्पेक्ट में अल्लाह पाक और इजाफा करे और अल्लाह पाक मेरे राशिद भाई के लिए भी ख्याल करे अच्छे अच्छे ये जो अल्फाज आ कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा अरे भाई अब एंड करेंगे जी, अच्छा सा मीठा सा प्यारा सा अपने सब बिलखसूस कराची वालों के लिए और बेलामूम पूरे पाकिस्तान के शायकीन के लिए पैगाम छोड़ दें क्योंकि मेरी मुलाकात पता नहीं आप बाद में कब होगी। मैं मेरा पैगाम सब कबूतर बाज और दोस्तों के लिए यही है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट बर्दाश्त करें, एक्सेप्ट करें, किसी कोई अच्छा अगर उड़ाता है उसको दिल से उसकी को अप्रिशिएट करें कि भाई इसने अच्छे उड़ाए, ना कि आप उसके अंदर नुक्स निकालना शुरू कर दें कि यार इसने यूँ किया था इसने यूँ किया था ऐसा किया था। और जिस दिन हमारे अंदर बर्दाश्त हम पैदा कर लेंगे तो ये सारी जितनी बदमजगियाँ होती हैं हमारी आपस में कि ना फलाने ने फलाने को कुछ कह दिया फलाने ने फलाने को कुछ कह दिया ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक सीनियर की इज्जत की जाए,
جونیئر کا لحاظ کیا جائے، یہ نہیں کہ سینئر جونیئر کی بے عزتی کر رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ جب جونیئر کی بے عزتی کریں گے وہ آپ کو آگے سے کچھ کہے گا. تو ایک دوسرے، ایک تو برداشت کریں، دوسرے کی پرفارمنس کو ایکسیپٹ کریں دل سے کہ یار اس نے محنت کی ہے اور بہت اچھی اس نے پرفارم کیا ہے جو یہ نمبروں میں آیا ہے یا اتنے اوپر آیا، نہ کہ آپ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ نا اس نے یوں کر دیا تھا اور اس نے وہ کر دیا تھا. نہیں، جو محنت کرتا ہے وہی جیتتا ہے، اور باقی اللہ کی کا حکم ہوتا ہے. اللہ مینی اور محنت سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. یقیناً جو زیادہ محنت کرتا ہے اللہ پاک ان کو زیادہ جو محنت پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کا صلہ. تو یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کو برداشت کریں. اگر ایک شخص جیتتا ہے یا اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے تو آپ دل سے اس کی تعریف بھی کریں. ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر انسان، ہر شوقین ایک دوسرے سے پیار کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا. اور کبوتر بازی کے اندر سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کبوتر باز ماشاء اللہ نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہوتا ہے، یا سب برابر ہوتے ہیں. کمال. اور سب کمال. دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی چیز میں بڑا چھوٹے کو کر رہا تھا، چھوٹا بڑے کو، حالانکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ویسے وہ اتنا امیر آدمی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے چھوٹے سے نیچے بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں آج کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے حکم سے اور کبوتر بازی کی وجہ سے ہوں. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. وہ کس طرح سے، میرے والد کے دوست ہیں انوار احمد خان. ہاں جی. میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب میں نے میٹرک نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے الحمد للہ گریجویشن کیا اور پھر میں کسٹمس کے اندر آیا تو انوار احمد خان نے اس کے لیے میرے لیے کوششیں کی. وہ صرف کبوتر بازی کی وجہ سے دوست تھے. دیکھیں کتنا یہ مضبوط رشتہ ہے. پھر میں کاروبار میں تھوڑا بہت آیا، وہ میں اپنے دوستوں کی وجہ سے آیا. تو آج کو میں جو کچھ بھی ہوں ریلیٹڈ وہ کبوتر پرور ہی ہوتے ہیں. کبوتر پرور ہیں وہ، بالکل بے لوس ہو کے آپ کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ترقی کے لیے خوش ہوتا دیکھتے ہیں. جو اچھے دوست ہوتے ہیں، جو اچھے شوقین ہوتے ہیں، جو اچھے کبوتر پرور ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میری کوئی بس یہی ہے کہ جیسے ہمارے پہلے بزرگ تھے کہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے کو برداشت کرتے تھے. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، جیسے راشد سے بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے، وہ معاف کر دیا کریں اور برداشت کریں ایک دوسرے، اور اللہ پہ یہ انشاءاللہ بہت اچھا شوق رہے گا. بہت شکریہ خان صاحب آپ کی اس گریٹنیس کا، اور آپ نے جو محبت میرے ساتھ کی ہے میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو خوش رکھے اس دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ اللہ پاک سب کو عافیت میں رکھے، سب کو خیر میں رکھے، شوق بڑھتا رہے، محبتوں کا سلسلہ جاری رہے. اللہ حافظ.